हेलो फ्रेंड्स, बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा चौहान आज आप लोगों को बीसीसी के बारे में पढ़ाने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बीसीसी के बारे में बताने जाऊंगी। उससे पहले आपने सोचा होगा कि ये बीसीसी क्या चीज़ है। बीसीसी बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि कंप्यूटर में बीसीसी मतलब क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप बता दूँ, आज के इस वीडियो में जो है मैं बीसीसी के पहले इंट्रो दूंगी, बीसीसी के यूज़ बताऊंगी, क्या क्या किन किन को इससे बेनिफिट मिल सकता है, क्यों इसे पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीसी की। बीसीसी का मतलब होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ये होता है बीसीसी का मतलब, बीसीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बात कहा गया, जैसे कि इसका देख सकते हैं हमारा टाइटल ही है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, मतलब ये हुआ कि हमारे जो मेन बातें होती हैं, जो साधारण सी जो खास बातें होती हैं, जनरल बातें जो आमतौर पे हर किसी को पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, जो छोटी बड़ी बारीक जो बेसिक नॉलेज होती है जो कंप्यूटर के बारे में आज के टाइम में हर किसी को मालूम होना चाहिए, ये उस टाइप का कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स में होता क्या है फ्रेंड्स कि आप लोग को सारा फंडामेंटल ऑल ओवर ये कंप्लीट करेगा। इसमें इंटरनेट पार्ट भी है, कम्युनिकेशन सेक्टर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे सीखने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर जो उनके सामने आते ही वो बहुत नर्वस फील करने लगते हैं, उन्हें एक सिंपल कट कॉपी पेस्ट के अलावा नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए, ऑन ऑफ करने भी ठीक से उनको नहीं आता। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो सारी परेशानी से उनको दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किन किन के लिए बीसीसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीखना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स अगर मैं बीसीसी की बात करूँ तो बीसीसी ऐसा कोर्स है जो ऑल ओवर ए टू जेड हर कैटेगरी के लोगों को, हर एज ग्रुप के लोगों को ये करना चाहिए। रीज़न इसका ये है कि फ्रेंड्स, क्योंकि हमें बेसिक जो नॉलेज होती है कंप्यूटर की, अगर वही हमारे पास नहीं होगा तो हम आगे कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज के का जो दौर है ये डिजिटल का दौर चल रहा है, जहाँ पे हमें हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर सेक्टर। हमें कोई भी काम करना होता है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे ऑफिस का काम हो, या कुछ भी हमें करना होता है, तो हम उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर की मदद लेते ही लेते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर की अगर बात करें तो अब तो धीरे धीरे देख सकते हैं स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह कंप्यूटर कंपलसरी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और रहा सवाल मेरी इस वीडियो का, तो मैं अगर आपको बताना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को जितना हो सके आप लोग के सारे डाउट्स, आपकी हर एक एक छोटी बड़ी जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती है कंप्यूटर चलाने के दौरान, वो सारा मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दूर करना चाहूँगी। और इस वीडियो से आप लोग को पता चलेगा कि अगर आप लोग जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लेते हो तो आप लोगों के लिए एक तरह से लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें आज के दौर में इस कोरोना काल के दौर में अपने बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। और ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि हम कंप्यूटर कैसे चलाएं, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करें, ऐसे में वो बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, बच्चों को कैसे संभालेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बहुत दिक्कतें होती हैं। और ये सब तो मैं पर्सनली समझ सकती हूँ क्योंकि आसपास के नेबर्स में मैंने देखा है, जहाँ पे हाउसवाइफ जो होती हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के इस कोरोना काल में वो बहुत परेशान, स्पेशली स्टार्टिंग के 4-5 महीने जहाँ पे उनको कंप्यूटर बिल्कुल चलाने नहीं आता, उन्हें ठीक से ऑन ऑफ तक करना नहीं आता था। अब सोचिए ऐसे सिचुएशन में उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। और तो और फ्रेंड्स, अब तो धीरे धीरे अगर ऑफिस की बात करें, जितना भी हमारा गवर्नमेंटल सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं टोटली डिजिटाइज्ड हो चुका है, वहाँ भी अब हर एक एक एम्प्लॉयज़ के लिए कंप्यूटर आना ज़रूरी है। ये कोर्स आपके ठीक ट्रिपल सी के जैसा ही है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ट्रिपल सी में और बीसीसी में थोड़ा सा आपका डिफरेंस है। ठीक है, ट्रिपल सी क्या है, वो ऑल ओवर जो फंडामेंटल नॉलेज को लेके चलता है, इंक्लूडिंग जीएस,
वहीं हम बीसीसी की बात करें यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स की बात करें तो ये हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल, इंटरनेट सेक्शन और कम्युनिकेशन सेक्शन को ये कवर करता है। ये लिटिल सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। और बेसिक कंप्यूटर तो क्या है, अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप कर लेते हो तो आपके लिए जैसे ऑफिस में भी काम करना आसान हो जाएगा। ऐसे लोग स्पेशली जो थोड़े से एजेड हैं, जिनको कंप्यूटर की बारी छोटी बड़ी चीज़ें समझना, याद रखना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ट्रिपल सी की बात करें तो ट्रिपल सी थोड़ा सा ज़्यादा जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट सा वो फील करते हैं करने के टाइम में, बट अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। फ्रेंड्स ये पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, एज अ मैंने अपने फादर को देखा है, मैंने अपने आसपास के जो मेरे और भी एजेड पर्सन हैं उनको देखा है कि वो किस तरह से जब टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करते तो कितने डिसअपॉइंट होते। और कई बार तो वो होता है कि हमारे जनरेशन से आपकी जनरेशन पूछने में झिझकते हैं, कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगला बंदा उनका मजाक उड़ाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, आप तो आप किसी से कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीसीसी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो, हर कोई बंदा इसे आसानी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कंप्यूटर का यानी कि बेसिक नॉलेज और एकदम फंडामेंटल चीज़ें आपको बताई जाएगी, सब बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको कंप्यूटर हैंडल करना सिखाया जाएगा। किस तरह से आपको कंप्यूटर यूज़ करने के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कंप्यूटर चलाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे आप उनको उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, ये सारा कुछ, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो इस कंप्यूटर कोर्स में आप लोगों को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीखने को मिलेगा, आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानने को मिलेगा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ये जानकारी मिलेगी आपको, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस बताई जाएंगी, कम्युनिकेशन और इसके साथ ही इंटरनेट भी आपको सिखाया जाएगा, इंटरनेट को यूज़ करना। हालांकि फ्रेंड्स आज के टाइम में इंटरनेट का यूज़ करना धीरे धीरे आप सभी को आने लग गया है, लेकिन फिर भी जब कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें करनी होती है तो हर कोई घबराता है, हर कोई परेशान हो जाता है, तो वो सारी की चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इसमें आपको बीसीसी का सारा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स, ये एवरी टॉपिक वाइज आपको बताई जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने सारे टॉपिक्स को ये आपका कवर करता है, जिसके मदद से आप लोग बीसीसी का कोर्स आप लोग विद इन मंथ मतलब एक महीने के अंदर अंदर आप लोग कर सकते हो। ये एक महीने का कोर्स है, इसे आसानी से आप सीख सकते हो, आसानी से कर सकते हो, और हमारे इस ऑनलाइन क्लास के मदद से आप लोग इसे घर बैठे सीख सकते हो, वो भी फ्री, वो भी कभी भी कहीं भी किसी भी जगह से, कोई टेंशन की बातें हैं। इवन इसके हाउस वाइफ्स हो, एजेड पर्सन्स हो, या फिर जो है वर्किंग पर्सन हो, या बच्चे हो, या बूढ़े हो, कोई भी किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, हर कोई सीख सकता है, चाहे वो बच्चा स्कूल का हो या ऑफिस जाने वाला कोई बंदा हो, ठीक है, हर कोई सीख सकता है,
हमारे ऑनलाइन क्लासेस की मदद से अगर आप लोग गांव से भी बिलोंग कर सकते हो तो भी सीख सकते हो, क्योंकि हम इसमें आप लोगों के लिए टोटली इजी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए ये सारे टॉपिक्स को सीखना ज़्यादा मुश्किल ना हो। आप एक बार हमारे इस बोर्ड की तरफ देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स, जिससे कि ईजिली आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम अपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में। इस कोर्स में आप लोग जो है जनरली कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स आउटपुट हैं, इनपुट हैं, कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट को कैसे कनेक्ट करते हैं, उनकी सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सारे कुछ आपको बताए जाएंगे, सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हम इतना कंप्यूटर के बारे में बात कर ही रहे हैं, स्पेशली बेसिक कंप्यूटर कोर्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है कि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाला ही कोई कॉम्पोनेंट या डिवाइस हो। आज के टाइम में कंप्यूटर हर वो उस गैजेट को हम कह सकते हैं जिससे आपको इजीली कहीं भी किसी भी जगह आप कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं और जो हर तरह से आपकी हेल्प करे। ठीक है, हर उस गैजेट को हम लोग कंप्यूटर के रूप में देखते हैं। एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपका आईपैड हो गया, आपका क्या कहते हैं लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। हालांकि आप लोग बहुत पहले से जानते हो कि लैपटॉप और डेस्कटॉप हमको एज अ कंप्यूटर ही जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर को सोचते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड और माउस का ही एक के कॉम्बिनेशन को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर हर उस गैजेट को आप कह सकते हो जिससे कि आप लोग को आपकी लाइफ में हेल्प मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। ठीक है, अगर मोबाइल फ़ोन को भी एज अ कंप्यूटर भी देखें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपके जो ये स्मार्टफोन्स हैं ये भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर की तरह ही आपकी हेल्प करते हैं, वर्क करने में मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे कंप्यूटर का ही एक हिस्सा है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आप डेस्कटॉप को भी कह सकते हो, लैपटॉप को भी कह सकते हो। लैपटॉप और कंप्यूटर की अगर बात करें तो इन दोनों में जो है बहुत ही बारीक सा डिफरेंस होता है। जो लैपटॉप होता है उसके लिए अलग से आपको बहुत सारे डिवाइसेस कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसे जो है ईजिली कहीं भी पोर्ट कर सकते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे लेके आ जा सकते हो। वहीं डेस्कटॉप की अगर बात करें तो बेसिकली एक जगह रखा हुआ था स्पेशली आपके घर में। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर के कई सारे जनरेशन हैं, जो कि मैं आपको अपने स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोस में धीरे थोड़ा थोड़ा करके बताती जाऊंगी, जिससे कि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। एक बात और बता दूं, अगर आप बीसीसी कर लेते हो तो एक इसका बेस्ट पार्ट ये भी है कि ये जो आपके छोटे बड़े एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे कि बीटीसी या बीएड का हो गया, या फिर सीटेट वगैरह का हो गया, या फिर और भी कोई भी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें जो आपका कंप्यूटर का जो छोटा सा सेक्शन आता है एज ए एग्ज़ाम, उसके भी इस आप डाउट्स इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो सारे जो है टॉपिक्स भी हम इसमें जो है इंक्लूड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बेस्ट पार्ट तो यही है कि अगर आप सीख लेते हो तो सबसे पहले आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। आज के दौर में आप जानते हो घर बैठे, घर के अंदर रह के हमें सारा काम करना है। अब सोचिए ज़रा, आपको घर के अंदर बैठ के और सारा काम करना है, ये इतना आसान तो है नहीं। आपको कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जिसकी मदद से आप कर सकें। अगर कंप्यूटर चलाने आ जाए तो अब आसानी से पैसों के लिए, शॉपिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी और पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। सोचिए फ्रेंड्स, आज की लाइफ कैसी हो गई हमारी इस कोरोना काल की वजह से। हम एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस हमको रखना पड़ रहा है, हम ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा सिचुएशन में सोचिए उन लोगों का क्या सिचुएशन होती होगी जो अकेले रहते हैं, जो ज़्यादा किसी से मिल नहीं सकते और डिजिटली उनको ज़्यादा एडवांस नहीं है। उन जैसे लोगों के लिए ये जो बीसीसी का कोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कोर्स सीख लेते हैं तो सबसे बड़ी बात, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होगा, कोई भी उनको इजीली चीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होगी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ कुछ हद तक इजी हो जाएगा। आज के इस दौर में, आज के सिचुएशन में उनको अपनी लाइफ में कोई भी जो परेशानियाँ आती हैं, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, चाहे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे शॉपिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी ऑफिशियल छोटे बड़े वर्क से रिलेटेड हो, तो उसके लिए उनको परेशानी हो। इवन अगर कंप्यूटर थोड़ा बहुत ये सीख लेते इसके मदद से, वो अपने दूर बैठे जो भी उनके रिलेटिव्स हैं उनसे भी इजीली कांटेक्ट कर सकेंगे। इसके लिए उनको अलग किसी और की हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टॉपिक्स आपके इस बीसीसी कोर्स में इंक्लूडेड हैं,
जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप मैं जितना हो सके आप लोग को इजी वे में बताऊंगी। बहुत ज़्यादा आप लोग को और भी उससे ज़्यादा डीपली जानना हो तो हमारे बाइनरी ट्यूब के एप्लीकेशन पे जा करके आप वहाँ पे हमारे डिटेल में जो इससे कोर्स से रिलेटेड और भी वीडियोस है उसके थ्रू और भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई बात हमारे कोर्स की, इसके इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है, किन किन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, किन किन लोगों के लिए बहुत लाइफ को ईजी कर सकता है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर यानी जिसके जिससे रिलेटेड हमारे ये कोर्स है उसकी बात करते हैं। तो आइए उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं अपने इस डिजिटल बोर्ड के मदद से आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। आपको उसे मैं डिजिटली पिक्चर वाइज भी दिखाना चाहूँगी और साथ ही साथ इस बोर्ड की मदद से भी बताना चाहूँगी। कंप्यूटर में हमारे जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है जब बात करते हैं एक कंप्यूटर की, तो उसकी जो सबसे मेन पार्ट होते हैं वो हैं इनपुट और आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्यों कहा, इसका भी एक रीज़न है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर को कई तरह से इसको डिस्क्राइब करते हैं। फिलहाल तो मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टोटली मशीन बेस्ड है जो कि बिजली के माध्यम से चलता है, इसी वजह से हम उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके क्या कहते हैं, अगर इसकी इंट्रो की बात करें, इसके मीनिंग की बात करें, तो इसे हर किसी ने अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको दो पार्ट में इसलिए दिया है, इनपुट और आउटपुट, ये इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कंप्यूटर की बात करें तो ये दो चीज़ हमेशा इसके साथ आती हैं, इसीलिए हम मैंने यहाँ पे इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इसको मैंने डिवाइड किया है। बेसिकली आपकी जब कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर आपकी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, उतने सारे पार्ट्स, उतने सारे कंपोनेंट्स, उतने सारे डिवाइसेस के साथ में आपको ये सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे और समझाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने की वजह से इसमें हमारा जितने भी गैजेट्स यूज़ होते हैं वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आप चलो कुछ भी मतलब बिना जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से नहीं चले या जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड नहीं हो आप उसका कुछ यूज़ करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग होते हैं सोचते हैं कि हम कंप्यूटर को खाना खिलाए तो खाना खा लेते, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसका काम भी इलेक्ट्रॉनिकली ही होगा, ना कि आप उसको चलो आप उसे नहलाओ धुलाओ या खाना खिलाओ, तो ये सब नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसको बेसिकली ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर ऑल ओवर उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कोई इंसानों के जैसा काम कर सके, बस फ़र्क इतना होता है कि उसके पास उसका अपना ब्रेन नहीं होता है, वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट होता है यानी इंसानों के दिमाग की मदद से चलता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये होती हैं आपकी कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर आप लोग देखते हो हर एग्जांपल में अक्सर हर कोई कहता है कि उनका दिमाग कंप्यूटर सा तेज़ चलता है, वो कंप्यूटर से तेज़ कंप्यूटर की जैसा तेज़ काम करता है। ऐसा एग्जांपल क्यों देते हैं, क्यों ऐसी कहावतें कही गई, उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत ही सटीक, बहुत ही कम समय में और एकदम सही जवाब हमको देता है, सही काम करके देता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, अगर हम उसको कहें कि 2+2 क्या होता है, तो आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो उंगलियों पे जोड़ेंगे, कुछ लोग तुरंत बता देंगे, कुछ लोग इनटू कर लेंगे,
बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को ये जवाब देने के, लेकिन कंप्यूटर तुरंत बताएगा फोर। बस हमको उसे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, जिसे हम डेटा के रूप में भी जानते हैं, डेटा। ठीक है, अब आप सोचते होगे कि ये डेटा क्या चीज़ है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, डेटा इंफॉर्मेशन ये सारे के सारे कंप्यूटर के ही हिस्से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कि मैं आपको अपने अगले वीडियो के हेल्प से मैं आप लोग को बताऊंगी कंप्यूटर के। आज तो मैंने आज के वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर ये बेसिक बीसीसी बेसिक कंप्यूटर कोर्स किस किस के लिए हेल्पफुल है, किस किस की मदद कर सकता है, ये आज के वीडियोस की मदद से आपको पता चला। नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे हम बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम हमारे अगले वीडियो तक का वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।